अच्छा तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विथ जॉइंट लाइफ. मेरे टर्म वाला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 33, बुकलेट 5. क्वेश्चन नंबर 33, अप्रैल 2016. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. आई हैव गिवन माय एग्जाम 17, 18, 19, 3.5 ईयर्स. फिर भी देखो मेरे को सब कुछ याद है आज भी. ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं इसको. पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला है. ऑन 1 जनवरी 2012 एन इंश्योरेंस कंपनी इशूड जॉइंट लाइफ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. मैंने कैसा पॉलिसी है जॉइंट लाइफ ने लास्ट सर्वाइवर. ईच पॉलिसी वॉज इश्यूड टू अ मेल लाइफ एजेड 65 एग्जैक्ट एंड फीमेल. तो मतलब मेल का एज कितना है एंड फीमेल का एज कितना है. अ सम एश्योर्ड ऑफ 75,000 इज पेबल इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ द सेकेंड ऑफ द लाइफ टू डाई. ओहो यहां पर ऊपर में जो जॉइंट लाइफ लिखा उसका मतलब क्या है. दो लाइफ है. सेकेंड ऑफ द लाइफ टू डाई का मतलब क्या होता है. सेकेंड ऑफ द लाइफ टू डाई का मतलब क्या होता है. लास्ट सर्वाइवर. प्रीमियम दे दिया है झंझट नहीं है. प्रीमियम वीमियम निकालना हम लोग को आता है. प्रीमियम सब निकालना बार बार झमेला नहीं है. आर पेबल एनुअली इन एडवांस फॉर ईच पॉलिसी वाइल एटलीस्ट वन ऑफ द लाइव्स इज अलाइव. मतलब जब तक सेकेंड लाइफ मर नहीं जाता है तब तक हम लोग प्रीमियम्स देते रहेंगे. एंड प्रीमियम्स कैसे देंगे. एनुअली इन एडवांस. एट द बिगिनिंग ऑफ 2014 देयर वेयर. एट द बिगिनिंग ऑफ 2014 का मतलब क्या होता है. जीरो. ये क्या हो गया 2011 का एंड. ठीक है ये क्या हो जाएगा 2012 का एंड. ये क्या हो जाएगा 2013 का एंड. मतलब वे टॉकिंग एट टाइम 2 इयर्स. यहां पर कितने लोग जिंदा है 5997. फॉर ऑल दीज पॉलिसीज बोथ लाइव्स वेर स्टिल अलाइव. ड्यूरिंग 2014 द फॉलोइंग एक्सपीरियंस वॉज ऑब्जर्व. फॉर टू पॉलिसीज बोथ लाइव्स डाइड. For 12 policies, only the male life died. For 8 policies, only the female died. Calculate showing all your workings, the monthly profit, sorry, mortality profit or loss for the group of policies for the calendar year 2014. Matlab, we are talking about the third year. Bolo, haan. Third year ka baat ho raha hai isme. To yahan par age kitna ho jayega male ka? Yahan par male ka age kitna ho jayega? 67. And female ka age kitna ho jayega? पीएमए पीएफए 4% टेबल बुक फॉलो करने बोला है. तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा पता है. केसेस बनाना पड़ेगा. केसेस किस तरीके से बनाएंगे पता है. इसमें तीन चीज पॉसिबल है जो तीनों का पॉसिबिलिटीज मेरे को दे दिया है. यहां पर दोनों लाइफ जिंदा है. देखो यहां पर दोनों लाइफ जिंदा है. अब अच्छा से देखना यहां पर दोनों लाइफ जिंदा है. हम सम्स कराएंगे नहीं हम खाली समझा देंगे पूरा बढ़िया से. हो सकता है कि यहां पर मेल लाइफ मर जाए तो यहां पर कौन जिंदा रहेगा फीमेल. तो रिजर्विंग किसके लिए करेंगे जो जिंदा है मतलब फीमेल के लिए करेंगे. अगर मान लो यहां पर फीमेल लाइफ मर जाती है तो यहां पर कौन जिंदा रहेगा मेल. तो रिजर्विंग किसके लिए करेंगे जो जिंदा रहता है मतलब मेल के लिए. यहां पर दोनों लाइफ मर जाता है मेल भी और फीमेल भी. ठीक है अच्छा दोनों लाइफ मर जाएगा मतलब कितना देना पड़ेगा समय शॉर्ट देना पड़ेगा. एक्चुअली पैसा कब देना पड़ता है जब दोनों लाइफ मर जाएगा. अगर कोई एक लाइफ मरता है तो पैसा नहीं देना पड़ेगा. बट हम और सतर्क हो जाएंगे कि यार अब तो अगर एक लाइफ मरेगा तो मेरे को पैसा देना है. जनरली द रिजर्विंग विच वी डू फॉर सिंगल लाइफ इज मच मोर देन फॉर ज्वाइंट लाइफ. क्योंकि अभी मेरे को क्या देखना है लास्ट सर्वाइवर पॉलिसी में मेरे को क्या देखना है. अरे यार अभी तो पहले मेल या फिर फीमेल में से कोई एक मरेगा फिर जाके जब दूसरा लाइफ मरेगा तब पैसा देना है. तो अभी हम सेफ है एंड हम लोग इंडिपेंडेंट पॉलिसीज मानते हैं. ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ गाड़ी में जा रहा था गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया दोनों संग संग मर गया वैसे नहीं सोचते. ठीक है तो इसमें पहला केस लिखो केस वन. केस वन मेल लाइफ डाइड. मेल लाइफ डाइड. अच्छा एक बात बताना डीएसीआर का मतलब क्या होता है. एक्स्ट्रा स्ट्रेन कितना पड़ रहा है. लाइक यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं मेल लाइफ मर रहा है
तो मेल लाइफ के मरने से मेरे पॉकेट में कितना एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ रहा है। तो अगर मैं डीएसएआर का बात करूं, ध्यान सुन लेना, एक बार बताऊंगा बार बार नहीं बताऊंगा। अगर मेल लाइफ मरे तो मेरे को क्या निकालना है, मेल लाइफ के मरने से मेरे पॉकेट में कितना स्ट्रेन है। अगर मेल लाइफ मर जाता है तो रिजर्विंग किसके लिए करेंगे, खाली फीमेल के लिए, माने ईयर एंड रिजर्व फीमेल के लिए। माइनस अगर मेल लाइफ नहीं मरता है तो क्या करेंगे, दोनों के लिए रिजर्विंग करेंगे, मतलब वी बोथ। जी समझा, कौन सा ज्यादा होगा? ऑब्वियस बात है सर, ये ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज अभी तो एक लाइफ मर गया है ना, एक के मरते ही पैसा देना है, ठीक है। अब ये डीएसएआर निकाला, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट संग संग कॉपी मत करो, एक मिनट को। डीएसएआर निकालना तुम लोग को आ जाएगा, तुम लोग रिजर्विंग सीख चुके हो, चाहे वो सिंगल लाइफ का हो चाहे वो ज्वाइंट लाइफ का, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी होल लाइफ पॉलिसी है तो सबका एज को 3-3 साल से बढ़ा देंगे, 3-3 साल से बढ़ाने के बाद में ईयर एंड का रिजर्व निकालेंगे। ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। अच्छा, बार आएगा क्या? हाँ आएगा, बिकॉज लास्ट सर्वाइवर में क्या आता है, बार आता है। और लास्ट सर्वाइवर को सॉल्व कैसे करते हैं, सिंगल प्लस सिंगल माइनस ज्वाइंट, ये भी ठीक है। तो डीएसएआर तो निकाल लिया, अब ईडीएस कैसे निकालेगा, ईडीएस कैसे निकालेगा? मान लो मेरे को ईडीएस निकालना है, कौन बताएगा ईडीएस कैसे निकालेंगे? फिर से बोलो, फीमेल का जीने का इंटू, और कोई जो बोलना चाहता है, वंदिता बोलो, जोर से बोलो। वो तो हो गई टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज। अच्छा, ये केस हो क्या रहा है, ये केस हो क्या रहा है, मेल मर रहा है फीमेल जिंदा है, तो उस चीज का होने का प्रोबेबिलिटी इंटू टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज अलाइव एट द स्टार्ट इंटू डीएसएआर विल गिव मी व्हाट एक्सपेक्टेड। एंड एक्चुअल में क्या करेंगे, डीएसएआर इंटू एक्चुअल में कितने केसेस में ऐसा हुआ है देखो, तो 12, तो 12 इंटू डीएसएआर विल गिव मी एडीएस, माइनस करके निकाल सकते हैं। दिस इज केस वन। अब रुक जाओ, डिस्कस कर लेते सारा केस, उसके बाद तुम लोग सम बना लेना, हम टाइम देंगे। सेकेंड वाला बता रहा हूं फिर से, ईडीएस। देखो तुम क्या करेगा, कौन मर रहा है, मेल मर रहा है, मतलब क्यू, अच्छा एज कितना रहेगा उसका बताना, क्यू 67 मेल इंटू पी 62 फीमेल इंटू 5997 इंटू डीएसएआर। चीज को समझ, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस, ये क्या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस जिनमें ऐसा होगा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस जिनमें ऐसा होगा। एक्चुअल में कितने केसेस में हुआ है, तो एडीएस जब निकालेंगे तो क्या होगा, 12 इंटू डीएसएआर। चीज को समझना, एक्सपेक्टेड कितने केसेस में फीमेल जिंदा थी एंड मेल मर गया, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी इज 5% एंड देर आर 100 पॉलिसीज, तो एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, 5। जी समझा, तुम लोग खाली सोच रहे सर मेल मर गया, अरे फीमेल भी तो जिंदा है, दोनों लाइफ का करना है, ठीक है। अब एक और केस कराएंगे तो तुम लोग हमको बोलना। उत्कर्ष, उत्कर्ष केस टू बताओ, अगर फीमेल लाइफ मर जाती है तो क्या होगा बताना, रिजर्विंग किसके लिए करेंगे, मेल के लिए, माइनस अगर फीमेल लाइफ जिंदी होती तो दोनों के लिए, वी बोथ, ये ठीक है। हाँ अब सुनो, इसमें ऐसे क्या था, जिंदा जिंदा होती है, ठीक है। तो मेरा हिंदी में दोनों से ज्यादा है, दोनों हंस क्या रहे हो, 90 आया था मेरे को हिंदी में, उखाड़ ही रहे हैं भाई। सुनो, ये हाँ ईडीएस बताओ कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड कैसे निकालेंगे, आप किसको मराएंगे, फीमेल को मरा देंगे एंड मेल को जिया देंगे, एंड इनटू किसके करेंगे, 5997। एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस कितना है, एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस कितना है, 8। आई कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है, पर मैं समझ में ना आ रहा हूँ। मैं जब देख के गया था क्वेश्चन नंबर 18, मैं बोला ये तो नहीं आएगा भाई, लेकिन वही आ गया, ठीक है। दिस वॉज माई टर्म क्वेश्चन, तो 10 नंबर तो पूरा गया मेरा, तो यही है। हाँ बोल, 67 आया था मेरे को, बहुत अच्छे ना मार्जिन से पास बोलते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ईडीएस आया, देखा जाए तो इसमें चेंज क्या है, मेरे को ये बताओ, मैंने नॉर्मल से इसमें क्या चेंज है,
एक ये जो डीएसआर निकालने का कॉन्सेप्ट अगर कोई लॉजिक लगाए कि फीमेल के मरने से क्या स्ट्रेन पड़ रहा है, अगर फीमेल मर जाती तो रिजर्विंग तो करना पड़ेगा, किसके लिए करेंगे, खाली मेल लाइफ के लिए? माइनस अगर फीमेल जिंदा होती तो दोनों के लिए करते, इसलिए वी बोथ. अभी थर्ड वाला जो केस है, थर्ड केस में क्या करेंगे बताएं, दोनों मर जाए तो अगर दोनों मर जाए तो कहानी खत्म है, तब तो पैसा देना ही पड़ेगा. पैसा देने के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा, 75,000. जब डीएसआर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 75,000 माइनस अगर दोनों जिंदा होते तो दोनों के लिए रिजर्विंग करना पड़ता. वी बोथ, सर देख के लग रहा है टफ है, लेकिन टफ है नहीं, बिकॉज वी बोथ तो एक बार निकालेंगे, काम तीन बार करेगा, ठीक है. एंड मेल का फीमेल का तो निकालना आता ही है. कितना नंबर ऑफ केसेस में ऐसा हुआ है, कितना नंबर ऑफ केसेस में ऐसा हुआ है कि दोनों मर गए, दो. तो एडीएस कैसे निकालेंगे, 2 into this DSAR. एंड ईडीएस कैसे निकालेंगे, 5997 into मेल का मरने का into फीमेल का मरने का into DSAR. ठीक है, चलो स्टार्ट करो फिर से बोल. हाँ हाँ बात तो एक ही हो गया भाई, मेल मर गया तो मतलब फीमेल जिंदा है ना, एक ही तो लाइफ जिंदा हुआ. क्लबिंग कैसे कर सकता है, रिजर्विंग तो अलग अलग होगा ना, यहां पर मेल के लिए होगा, यहां पर फीमेल के लिए हो रहा है, दोनों अलग अलग जगह रिजर्व. चलो स्टार्ट करो. एक चीज बता देना, हाउ टू कैलकुलेट वी बोथ, आई नीड दैट एग्जैक्ट एक्सप्रेशन. वी बोथ, हाँ बोलो, 75,000 ए बार 68. हाँ ठीक है बोलो. माइनस माइनस पी एडीयू 68 63 बार. गुड, सॉल्व करो उसको. एंड प्रीमियम निकालना नहीं है, प्रीमियम दिया हुआ है. चलो इस हमको करने के लिए 15 मिनट का टाइम दे रहे, इसको कर लो. जो लोग का पहले किया हुआ है अभी फिर से देखो कि पहले बार करे थे तो कितना डिफिकल्टी हो रहा था, अभी करेंगे तो कितना डिफिकल्टी हो रहा है. क्या चीज, फीमेल मर जाएगी तब समय शॉर्ट में, क्या समय शॉर्ट तो नहीं आएगा फीमेल वाले, तो दोनों मर गई ना, तो 75,000 माइनस वी बोथ. नहीं फीमेल वाला, अगर खाली फीमेल मरेगी तो पैसा थोड़ी देना है, रिजर्विंग करना है, किसके लिए, मेल के लिए. आई गेस तुम लोग सिंगल लाइफ का तो रिजर्विंग कर ही पाएगा, अगर खाली फीमेल जिंदा है तो फीमेल का सारा डेटा को लेके करना है, ठीक है. आराम से करो, टाइम दे रहे, पूरा अच्छा से करो इसको. दो ही सम करेंगे लेकिन अच्छा वाला करेंगे. फिर से होल लाइफ है. हाँ एंडाउमेंट का होता मतलब कैसा बताओ, एंडाउमेंट एश्योरेंस, एंडाउमेंट एश्योरेंस कैसे हो सकता है इसमें, मतलब लास्ट सर्वाइवर है ना, तो मतलब इसमें जनरली मरने पे ही होता है, तो एंडाउमेंट एश्योरेंस मतलब, हाँ टर्म के लिए तो कर सकते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है ना डीएसआर में, सब कुछ बाकी सब कुछ सेम रहता उस पर्टिकुलर ईयर में, खाली ये जो सब कर रहे हैं ना यहाँ पर टर्म आ जाता लाइक कोलोन 20 अगर 20 साल. समय शॉर्ट क्यों माइनस होगा, तुम ये सोचो इस साल में मरेंगे, नहीं मतलब टर्म के अंदर दोनों लाइफ को मरना पड़ेगा ना, इस साल में तो खाली मेल मरा है तो खाली मेल के मरने से तो फीमेल का करेंगे.
हाँ लिखना पड़ेगा, बल्कि अच्छा है। जैसे ए बार 68, 63 है एंड ए बार सॉरी ए डी यू है ना, इसको देखो दो मेथड से कर सकते हैं। वन इज वन माइनस डेल्टा ए बार 68, 63 बार, ठीक है हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर वन प्लस आई टू द पावर 0.5 वन माइनस डी ए डू 68, 63 बार। मेरा अगर मानोगे तो इस वाले मेथड से करने से ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि जब इस वाले मेथड से करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा और इस वाले आंसर को हम लोग एनविटी वाले में डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। चीज समझा? इस वाले आंसर को हम लोग एनविटी वाले में डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। नहीं तो ए बार से फिर ए डी में भी कन्वर्ट कर सकता है उसको वन प्लस, लेकिन ए बार से करने से पहले सबको खोलना पड़ेगा आई गेस, लाइक लास्ट सर्वाइवर है ना, तो लास्ट सर्वाइवर में पहले सबको खोलना पड़ेगा। लाइक आप ऐसे से लिखोगे ना इसको, ए बार 68 प्लस ए बार 63 माइनस ए बार 68, 63, फिर क्या होगा? बार से अगर एडवांस में जाएंगे तो कैसे जाते हैं, बार से एडवांस में जाएंगे तो कैसे होगा, माइनस 0.5 लाइक ए डी यू 68 माइनस 0.5 फिर से होगा माइनस 0.5 फिर होगा प्लस 0.5। तुम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ए डी यू 68, 63 बार माइनस 0.5, ठीक है। ये सब थोड़ा बहुत करते टाइम सॉल्व जब करते हो ना तो खाली सम स्पेसिफिक नहीं करते हुए तो इधर उधर दाएं बाएं दिमाग लगाया करो।